हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज घनश्याम मुर्तर। आज हम आए हैं अरुण बजाज में। गाइस यहाँ पे हमारे पास है बजाज डिस्कवर 110cc बाइक। तो गाइस ये CBS वेरिएंट जो कि 1 अप्रैल 2019 के बाद इंडिया में जो भी बाइक्स 125cc के नीचे वाली जो भी बाइक्स लॉन्च होने वाली है फिर बिकने वाली है उन सभी में CBS यूनिट होना कंपलसरी होने वाला है, मैंडेटरी होने वाला है। उसी के कारण अभी बजाज ने CBS में ये वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। तो गाइस इसी का एक ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे अभी CBS यूनिट के बारे में। तो गाइस कैसा होता है, जो भी बाइक्स वगैरह होती है यहाँ पे, जब भी हम लोग हाई स्पीड पे या फिर ऐसी बैड कंडीशन में जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं तो उसके कारण कैसा होता है ना, कोई भी व्हील लॉक होने के चांसेस होते हैं, उसके कारण जो एक्सीडेंट के चांसेस थोड़े ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो गाइस CBS यूनिट में क्या होता है ना, मेनली जो आपका रियर ब्रेक है वहाँ पे इन्होंने एक यूनिट इंस्टॉल कर दिया है, जो कि आप ये लाइन दे सकते हैं, ये वाला वायर देख सकते हैं। तो ये वायर क्या करता है, ये वायर हमें फ्रंट में ब्रेकिंग पावर देता है और साथ ही साथ में रेयर में भी वो ब्रेकिंग पावर देता है। तो उसके कारण आपके दोनों भी व्हील्स पे ब्रेक अप्लाई होगा जब आप लेग से आपका ब्रेक हिट करोगे। लेकिन अगर आप फ्रंट लीवर से अगर ब्रेक हिट करते हो, ये देखिए ये फ्रंट लीवर, तो यहाँ से अगर आप ब्रेक हिट करते हो तो यहाँ पे कैसा होगा ना, ब्रेक्स का ब्रेकिंग पावर जो है, ब्रेकिंग प्रेशर जो है, वो सिर्फ फ्रंट व्हील में ही अप्लाई होगा, ना कि रेयर व्हील में। तो उसके कारण कैसा होता है, वो ब्रेकिंग पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा जिस तरह से कंपनी ने डिज़ाइन किया है, उसके कारण ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा सेफ इसमें होने वाली है। तो गाइस अभी बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने 110cc का सिंगल सिलेंडर यूनिट दिया है, जो कि जिसमें है 2 वॉल्स एंड 2 स्पार्क प्लग्स। हाँ गाइस यहाँ पे इन्होंने ट्विन स्पार्क प्लग दिया है, तो उसके कारण इसमें फ्यूल कंबशन एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होने वाली है और फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो गाइस ये इंजन प्रोड्यूस करता है 8.6 PS ऑफ पावर एट द रेट ऑफ 7000 RPM एंड प्रोड्यूस करता है 9.81 Nm ऑफ टॉर्क एट द रेट ऑफ 5000 RPM। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने 4 गियर्स दिया है। तो गाइस ये 110cc इंजन के साथ में इन्होंने 4 गियर्स दिया है, जो कि हमारे पीछे के साइड में शिफ्ट होते हैं, जो कि नॉर्मली बजाज में वैसा नहीं होता था। बजाज में जो नॉर्मली उनके गियरिंग होती थी वो फ्रंट में होती थी, मीन्स आप फ्रंट में अगर शिफ्ट करोगे तो एंगेज होगा गियर और रेयर में शिफ्ट करोगे तो गियर डिसएंगेज होगा। लेकिन यहाँ पे अभी इन्होंने उल्टा कर दिया है, आपके कंप्लीट गियर पीछे में दे दिया है। तो एक छोटा सा चेंज इन्होंने यहाँ पे दिया है। गाइस यहाँ पे इन्होंने जो फ्यूल टैंक दिया है, जो कि कैरी कर सकती है 8 लीटर्स ऑफ फ्यूल, और गाइस यहाँ पे इसका फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी होने वाली है, 65 to 75 km/L की इसकी फ्यूल इकोनॉमी होने वाली है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा डिसेंट रेंज यहाँ पे दे पाएंगी। और गाइस अभी सीट के बारे में बात करेंगे, तो सीट इसकी काफ़ी कम्फर्टेबल सीट है, जो कि जिसकी सीट हाइट है 805 mm। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है, जो कि है 179 mm। तो गाइस अभी ब्रेक में तो हमने डिपार्टमेंट में देख ही लिया है, यहाँ पे इन्होंने CBS यूनिट दिया, लेकिन अगर हम लोग इसके ड्रम ब्रेक के साइज़ के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने फ्रंट में एंड रियर में दोनों भी जगह पे 130 mm के ड्रम दिया है, जो कि आपको ब्रेकिंग पावर देने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो पाएंगे। और गाइस ये बाइक में सबसे खास बात तो ये है इसका स्पीडोमीटर कंसोल, देखिए, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल होता है। और इंडिया में लो पावर सेगमेंट बाइक में, बहुत ही कम बाइक में इन्होंने इस तरह से यूनिट दिया है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने टैकोमीटर भी दिया है, साथ ही साथ में डिजिटल फ्यूल गेज एंड डिजिटल स्पीडोमीटर भी दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, साथ ही साथ में यहाँ पे न्यूट्रल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर वगैरह, ये सब चीज़ें इन्होंने एक ही कंसोल में दिया है और काफ़ी अच्छी तरह से ये इन्होंने प्लेस्ड किया है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त दिखता है। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टैकोमीटर दिया है, बहुत सारी 155 125 cc बाइक भी है इंडिया में जिसमें टैकोमीटर नहीं होता है, लेकिन गाइस यहाँ पे इन्होंने टैकोमीटर दिया है और वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड गाइस ये है BS4 वेरिएंट। तो आप सभी को पता है BS4 वेरिएंट में डे टाइम रनिंग लैंप रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो मैंडेटरी होता है BS4 वेरिएंट में। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने डे टाइम रनिंग लैंप भी दिया है, जो कि LED टाइप है। और हम अगर इसके मेन हेडलैम्प की बात करेंगे तो मेन हेडलैम्प का पावर उसका थोड़ा कम है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी तरह से आपको रात में विजिबिलिटी दे पाएंगे। गाइज इसके लुक के बारे में अगर बात करेंगे तो ये दिखने में काफ़ी अच्छी दिखती है बाइक, और 110cc या फिर 125cc के नीचे में जितने भी बाइक्स है उसमें उन सभी में इसका लुक काफ़ी अच्छा है। और गाइस इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसमें जो इन्होंने यहाँ पे कुशनिंग दिया है, कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है, उसके कारण कैसा आपको सिटी में राइड करने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और रेयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो रेयर में इन्होंने जो टेल लैम्प दिया है, जो LED टेल लैम्प इन्होंने दिया है, और जो स्टेप टाइप में, वो भी दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर हम टायर्स की बात करेंगे,
गाइस यहाँ पे अगर टायर्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 3x17 इंच के टायर्स दिया है, और अगर फ्रंट में बात करेंगे तो फ्रंट में इन्होंने 2.75x17 इंच के टायर दिया है, और इसके साथ उन्होंने अलॉय व्हील का कॉम्बिनेशन दिया है। तो अलॉय व्हील की डिज़ाइन इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एंटी स्किड ब्रेकिंग का टैग दिया है। गाइस अगर हम लुक के बारे में बात करें तो ये दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है बाइक। जितने भी 125cc की बाइक्स है उन सभी में इसका लुक दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त दिखता है, और फ्यूल टैंक का जो डिज़ाइन है वो भी दिखने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कूल है। और सबसे खास बात तो ये आपको मैंने पहले ही बता दी है, साथ ही साथ में गाइस इसके जो मिरर है ये आपको काफ़ी अच्छा रियर व्यू दे पाएंगे, क्योंकि कैसा होता है आप अगर बाइक राइड कर रहे हैं सिटी में तो आपको रेयर में जो भी ट्रैफिक है उसका विजिबिलिटी मिलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसके जो मिरर्स है इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और उसके कारण आपको बाइक ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे इंजन का जो कलर कॉम्बिनेशन है, तो इंजन का जो कवर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया है ये ग्रे कलर में दिया है, जो कि दिखने में बहुत ज़बरदस्त दिखता है। और काफ़ी लंबे समय से बजाज जी ये फॉलो करते आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी आपको इसके मॉडल्स मिलेंगे बजाज के उन सभी में यहाँ पे आपको ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और उसके पहले यहाँ पे गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था। तो बजाज यहाँ पे इस बारे में बहुत ही ज़्यादा माहिर है कलर के साथ खेलने के लिए, तो उसके कारण जो कलर कॉम्बिनेशन है इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अभी गाइस सबसे लास्ट में इसका एक एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे और सारे साथ में ख़त्म करेंगे आज का ये वीडियो। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ में बजाज डिस्कवर का एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा, तो ये आप कमेंट करके बताना मत भूलिए। साथ ही साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।